नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर बाराबंकी से। एक ताजा मामला तहसील रामनगर के विकासखंड क्षेत्र से प्रकाश में आया है, जहां कवरेज कर रहे पत्रकार आशुतोष कुमार ने तहसील व ब्लॉक परिसर में मौजूद कर्मचारियों से सवाल पूछ लिया। सवाल पूछने पर महिला कर्मचारी महोदया आग बबूला हो गई व पत्रकार को गालियों से नवाजने लगी। इतना ही नहीं, जब पत्रकार ने अपना परिचय बताया तो ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी ने पत्रकार को धमकाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बहुत से पत्रकार आते जाते रहते हैं, यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा पत्रकार को धमकाया गया हो या गालियों से नवाजा गया हो। लेकिन प्रकरणों से संबंधित उच्च अधिकारियों द्वारा मामले को संज्ञान में न लेना व कार्यवाही न करने का ये परिणाम है, जो आए दिन पत्रकारों के साथ इस तरह के मामले प्रकाश में आते रहते हैं। जब पत्रकार संगठनों द्वारा मामले को तूल पकड़ाया जाता है और संबंधित अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने की संभावना प्रतीत होती है, तो कर्मचारियों के द्वारा पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी या घरवालों के ऊपर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला तहसील रामनगर क्षेत्र के ग्राम सोहाई मजरे बडनपुर का है, जहां सामुदायिक शौचालय की देखरेख में तैनात महिला कर्मचारी से परमार्थ आवाज हिंदी दैनिक पेपर एवं यूट्यूब चैनल में कार्यरत पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया कि मैडम, आप किस पद पर तैनात हैं और आपका टाइम टेबल क्या है। बस फिर क्या था, मैडम का पारा 46 डिग्री पार पहुंच गया और मैडम पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजना शुरू कर दी। उस पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मैडम से सवाल पूछने की हिमाकत जो कर दी। जब हमारे जिला संवाददाता ने इस पूरे मामले के विषय में वीडियो रामनगर से जानकारी प्राप्त करना चाहा, तो साहब का फोन नहीं रिसीव हुआ। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री महोदय अधिकारियों को आदेश देते रहते हैं कि COG नंबर बंद ना किया जाए और प्रदेश की जनता के साथ मित्रवत व्यवहार से पेश आए, परंतु कर्मचारियों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके सारे आदेश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ऐसे में जब कर्मचारी इसी मनमानी कार्यशैली से करते रहे और पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहा, तो सरकार की छवि को धूमिल करके ही छोड़ेंगे। यहाँ पर जब यहाँ पे कुछ खाने पीने को नहीं है, खाना पीना सब नहीं, क्या करवाऊं, गरीब आदमी, हमें कितने खाऊंगा। तो यहाँ पे सचिव नहीं आते हैं, प्रधान नहीं आते हैं। तो प्रधान तो ऐसे सब झूठ बोल रहे हैं, सचिव ना आते हैं। एक आध बार आए लो तो आए, दो तीन गड्डी फिर उन्होंने भी नहीं लिया। तो जे क्या गाय मर चुकी है अब तक यहाँ पर? दो गायें, एक परसों मरी थी। हाँ। एक आज। आज यार। आप लोग का कुछ कहना है ना, कहना है? हाँ बताइए, आपका क्या कहना है? पशु के लिए देख रेख के लिए रखा गया है जी, तो उसकी हिफाजत होना भी बहुत जरूरी है जी। हाँ जी, और मैं ये नहीं कह सकता सचिव आते या नहीं आते, मैंने नहीं देखा है सचिव को। अच्छा, जैसे पशु टीम वगैरह आई थी चिकित्सालय से, लोग आए थे पशु चिकित्सालय से, उन लोगों ने क्या करा यहाँ पर आके? यहाँ पर किया होगा, मैं यहाँ पर था नहीं, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मैं सुबह ही निकल जाता हूँ। अच्छा, एक दूसरे नंबर पर ये है, एक और मर गई है। हाँ जी, दो गाय मर गई। अच्छा, तो वो वाली गाय भी बता रहे थे जो उधर मरी थी और वहीं गाड़ दिया गया, उसे बताया कि किसी सर्प ने डस लिया उसके लिए। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा, अब कितनी गाय है यहाँ पर? तीन गाय। तीन गाय। अच्छा, क्या दो खत्म हो गई? प्रधान जी ने, जो हमारे गांव के प्रधान है शैलेश प्रधान, उन्होंने खाने के लिए दिया था पशुओं के लिए जी। जो उनके पास व्यवस्था हुई वो उनने दिया अपने पास से दिया। अपने पास से दिया। देखिए, यहां पर पशु विभाग की टीम आई, जिन लोगों ने पूरी तरह प्रशासन के लोगों को गुमराह किया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी नाथ कहते हैं पशुओं की रखवाली के लिए। बाराबंकी स्टेट ब्यूरो ज्ञानचंद्र के साथ जिला संवाददाता दिनेश तिवारी की रिपोर्ट।